आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव करीब है, लेकिन कुछ दिनों पहले तक हम और आप इस बात पर भी चर्चा कर रहे थे और ये अटकलें लगा रहे थे कि शायद इस बार का जो चुनाव हो वो टाल दिया जाए। किस कारण? ओमिक्रॉन के कारण। ओमिक्रॉन जो कि कोविड का तीसरा वेरिएंट है, उस वेरिएंट को देखते हुए ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो अपने तय समय पर नहीं होए। हालांकि समय तो अभी भी तय नहीं हुआ है, लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय दौरा किया और उस दौरे में जो उनको फीडबैक मिला राजनीतिक दलों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, उसके बाद उन्होंने आज साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर दिया कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा वो तय समय पर ही होगा। ऐसा अनुमान जो लगाया जा रहा था कि चुनाव टाले जाएंगे, अब उस पर कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लग चुका है। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो अधिकारी आए हुए थे चुनाव आयोग की तरफ से, उनका साफ तौर पर इस बात का जिक्र करना कि हमने लगभग सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करी और उस बैठक के बाद ये निष्कर्ष निकला कि सभी ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो तय समय पर, मतलब सही समय पर ही होना जरूरी है। इसके अलावा कोविड को देखते हुए, अन्य प्रमुख बातों को देखते हुए भी चर्चा हुई और उन चर्चाओं के बारे में भी अधिकारियों ने आज मीडिया को बताया कि कुछ अधिकारियों को लेकर भी राजनीतिक दल नाराज हैं। इसके अलावा ये कहा कि जो चुनाव है वो साफ सुथरे तरीके से होना जरूरी है, प्रलोभन के दम पर चुनाव ना होए उत्तर प्रदेश का। प्रचार के दौरान जो भीड़ भाड़ इकट्ठा हो रही है उस पर भी कहीं ना कहीं फोकस किया जाए विभागों की तरफ से, सरकारों की तरफ से, राजनीतिक दलों की तरफ से, कि उसको लिमिटेड रखा जाए, इसलिए ताकि चुनाव में कोविड का जो तीसरा वेरिएंट है उससे भी समस्या ना हो, जनता को भी समस्या ना हो और चुनाव भी हो जाए। लेकिन एक पहलू वो भी था, जब इसके पहले उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनाव हुए थे और उस दौरान भी कोविड की जो लहर आई थी, उस कोविड की लहर में बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। उस दौरान राजनीतिक दलों की तरफ से कहा गया था कि चुनावों को टाल दिया जाए, लेकिन चुनाव टले नहीं थे, चुनाव अपने तय समय पर हुए और उसके बाद जो भी हुआ आपने देखा, गली मोहल्ले शहर ज्यादातर लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कहा यही किया गया कि इस चुनाव की वजह से ही कोविड इतने बड़े पैमाने पर फैल गया था। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए, जिसमें पश्चिम बंगाल हो गया और वहां पर भी इस तरह की समस्याएं देखने को मिली कि जो कोविड ने अपना विस्तार किया वो कहीं ना कहीं चुनावों की देन था। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तय हो गया कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो कोविड नियमों का पालन करवाते हुए और चुनावी रैलियों को भी कोविड नियमों का पालन करवाते हुए करवाया जाएगा, चुनाव सही समय पर ही हो जाएंगे और इसका जो ऐलान है वो आने वाली 5 जनवरी को किया जा सकता है कि कब कब चुनाव कहां कहां पर होंगे, कितने चरणों में होंगे। अब यहां पर बात आती है राजनीतिक दलों की तरफ से, क्योंकि चुनावों का ऐलान हो गया और आज की रात बहुत से ऐसे राजनीतिक दल, बहुत से ऐसे नेता हैं जिनको नींद नहीं आएगी, क्योंकि अब लड़ाई का आखिरी दौर जो है वो शुरू हो गया है, तैयारियों का दौर जो है वो शुरू हो गया है। यात्राओं पर फोकस अब बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा, जनता से संवाद का जो सिलसिला है उसे और बड़ा करना पड़ेगा, योजनाओं को बताना पड़ेगा, कमियां गिनाना पड़ेगा, अपनी वाहवाही में कौन सी बात छूट रही थी वो बताना पड़ेगा, किस कोने कौन नहीं पहुंच पाया वहां कैसे पहुंचा जाए इस पर फोकस करना पड़ेगा और इसका जो रोड मैप है, इसका जो गुणा गणित है, ये भी तैयार करने का जो सिलसिला अब राजनीतिक दलों की तरफ से लगभग शुरू हो जाएगा, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश का अपने आखिरी मुहाने पर आ गया है। तारीखों का ऐलान होते ही कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाएगा और उसके बाद तैयारियां शुरू हो जाएंगी, लेकिन उन तैयारियों में कई चीजों का ब्यौरा भी देना पड़ेगा। तो ऐसे में राजनीतिक दल ये पहले से जान रहे थे कि भैया पहले ही अपना जो चुनावी यात्राएं हैं वो कर डालो, एक एक दौर की यात्राएं जनता के बीच पहुंच करके सरकार की खामियां बता दो,
और सरकार जान रही थी कि विपक्ष की कमियां कौन कौन सी है जब वो सत्ता में थे या मौजूदा समय में, वो बताना भी जरूरी था। तो एक राउंड लगभग सभी राजनीतिक दलों ने जनता के बीच जा जाकर कर दिया है, चाहे सपा की बात करें, चाहे बसपा की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करी जाए, लगभग सभी राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश के कोनों में जा जाकर, जनता के बीच जा जाकर अपनी बातें जो है वो पहुंचा दी है। और अब शुरू होगा सेकेंड राउंड, और इसी सेकेंड राउंड को फाइनल राउंड भी कहा जा सकता है क्योंकि उसके बाद वोटिंग भी होगी। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव कितना अहम है और राजनीतिक दलों की तरफ से अब रस्साकशी कितनी भयंकर तरीके से करी जाएगी, फील्डिंग कैसे सेट करी जाएगी, कौन कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर चर्चा होनी जरूरी है और उन पर चर्चा नहीं हो रही है, चाहे वो राजनीतिक दलों की बात करी जाए जिसमें सत्ता दल भी है, जिसमें विपक्षी दल भी है, चाहे वो जनता की बात की जाए। जनता अपने मुद्दों पर अडिग है या नहीं है, और मौजूदा सत्ता दल या विपक्षी दल जनता के मुद्दों को लेकर के उनके बीच जा रहे हैं, आ रहे हैं या नहीं, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अब चुनाव की तैयारियों का जो रुख है वो किस तरफ मुड़ेगा और कैसे इनकी तैयारियां अब और जोर पकड़ेंगी। कुछ बयान सुनिए और उसके बाद इस चर्चा को मैं शुरू करता हूं। जो हमारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण जिसको हम SSR बोलते हैं, 5 जनवरी 2022 को निर्वाचक नामावली अंतिम रूप से प्रकाशित की जाएगी। राज्य में अभी तक मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 15 करोड़ से अधिक है। अंतिम प्रकाशन पर मतदाताओं के वास्तविक आंकड़े स्पष्ट होंगे। इसके बाद भी नामांकन दाखिल करने का आखिरी तारीख तक भी मतदाता क्लेम्स ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं। अभी तक जो पोजीशन है उसके हिसाब से इस राज्य में 10,64,266 दिव्यांग मतदाता हैं और 80 वर्ष से अधिक आयु के जो मतदाता हैं वो 24,03,296 मतदाता हैं और 2,97,442 सर्विस मतदाताओं को भी आइडेंटिफाई किया गया है। सभी मतदान पूरी तरीके से एक्सेसिबल होंगे, जहां पर हमारे दिव्यांगजनों को कोई परेशानी न हो, जहां हर तरह से सुविधा दी जाएगी जिससे कि वे सहजता से मतदान कर सकें। ये हमारा दायित्व है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको हम मतदान के लिए प्रेरित करें और उनको अधिक से अधिक मतदान कराएं। कमीशन ने ये डिसीजन लिया है कि पोलिंग टाइम का भी 1 घंटे बढ़ाया जाएगा, जो अभी तक यहाँ पर 8 से 5 तक था उसको 1 घंटा बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम मेंटेन करते हैं और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो उसको भी उसमें संज्ञान में लिया जाएगा और ये 1 घंटे का टाइम अक्रॉस द स्टेट बढ़ा दिया जाएगा, एक्सेप्ट जहाँ LWE अफेक्टेड एरियाज हैं उसको ध्यान में रखते हुए, बाकी पूरे स्टेट में 1 घंटे का टाइम सबको बढ़ा दिया जाएगा। तो ये वो प्रमुख बातें थी जो चुनाव आयोग की तरफ से आज मीडिया के सामने रखी गई, और अब इस चर्चा को शुरू करने का वो समय आ गया क्योंकि आज की चर्चा बहुत अहम है, क्योंकि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये पहली चर्चा है जहां पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब राजनीतिक दलों की तरफ से क्या तैयारियां हैं, क्या लबोलवाब है, कैसे अब चुनावों में कौन उतरेगा। मेहमानों से आपको रूबरू कराता हूं। राहुल गुप्ता हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा प्रदीप चौधरी जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अतीक खान हमारे साथ सुभाषपा से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा अजय चंद चौबे साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ सुयश मिश्रा साहब हैं पत्रकार के रूप में, माफ कीजिएगा। आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राहुल भाई आपके पास आना चाहूंगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और अनुमान लगाया जा रहा था कि कोविड की वजह से शायद चुनाव टाल दिया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने कह दिया कि सभी राजनीतिक दलों ने कहा है कि चुनाव तय समय पर होना जरूरी है। अब तैयारी थोड़ी और अच्छे से और बेहतर तरीके से करनी पड़ेगी, ऐसा आप मानते हैं? दूसरी चीज, विपक्षी दलों के पास अब, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा था, ऐसा ग्राफ बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब रोड पर निकल रहे हैं तो उनका जो जनता का समूह उनके साथ जो आ रहा है उससे बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ी समस्याओं में खुद को देख रही थी। आप इस बात को कितना मानते हैं, कितना इस बात से सहमत हैं, और अब तैयारी कैसे बीजेपी करेगी, क्योंकि आप लोगों की तरफ से यात्राएं की जा रही हैं, आप लोगों की तरफ से सब कुछ बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब आगे की क्या रणनीति रहेगी ये बताइए। देखिए, आपने समाजवादी पार्टी की बात करी कि उनकी रैलियों में भीड़ आ रही है,
आप देखिए समाजवादी पार्टी के पास केवल एक लीडर है, उनके एक लीडर की जो सभा होती है उसमें भीड़ होती है। हमारे यहाँ 10 लीडर, 15 लीडर, 20 लीडर मौजूद हैं और उनकी हर सभाओं में उतनी उससे ज़्यादा भीड़ हो रही है। उनका सिंगल लीडर है तो उनको भीड़ इकट्ठा करने में आसानी होती है कि कहीं इस जिले से भीड़ बुला ली किराए पे, उस जिले से भीड़ बुला ली। हमारे यहाँ तो किराए पे कौन बुला रहा है? सपा वाले। लेकिन सपा वाले कह रहे हैं कि आप लोग सरकारी बसों का इंतजाम करवाते हैं, जनता को बुला के ले आते हैं। अब अगर हम ऑफ रिकॉर्ड दिखा देंगे तो किराए की भीड़ किसने मंगाई है ये साबित हो जाएगा तुरंत। उसमें ऐसा नहीं कि मगर कुछ चीजें तथ्य ऐसे होते हैं कि नहीं बोले जा सकते सबके सामने, पब्लिक के सामने। अच्छा। क्योंकि पार्टियां हैं, पार्टियों में सभी कार्य होता है, मगर अच्छा। हर प्रकार कार्य होने के बावजूद जो किराए की भीड़ बुलाना, हाँ। या प्रत्याशी को प्रलोभन देना कि आपको टिकट देंगे आप भीड़ लेके आइए। अच्छा, ऐसा हो रहा है, इस प्रकार से भीड़ इकट्ठा हो रही है। ये जगह जगह जो लोग देखने को मिल रहा है कि एक एक बजे रात में, दो दो बजे रात में, तीन तीन बजे रात में अखिलेश यादव को देखने के लिए रोड पे खड़े रहते हैं जाड़े में, ये भी किराए वाले हैं क्या? नहीं, आपने देखा होगा जो अनुराग भदौरिया जी झंडा लेके खड़े हुए थे, हाँ। तो आप कह रहे तो किराए वाले थे कि कौन से वाले थे आप? ये मैं नहीं बता सकते, तो प्रदीप चौधरी बताएंगे। प्रदीप चौधरी जी से पूछिए जो वो किराए वाले थे, जो फोटोग्राफर था वो किराए वाला था। आ रहा प्रदीप भाई, आ रहा हूँ, सुन लीजिए फिर आ रहा हूँ। हाँ, कि वो किराए पे थे कि वो रास्ते में खड़े थे, कैसे उतरे, कौन छोड़ गया उनको, कौन दो राहे पे उनको छोड़ गया, हाँ। कि उनको ले जाना पसंद नहीं करता तो उतार गया, भैया अभी उतर जाओ, अब झंडा लेके खड़े रहो। उसके एक फोटोग्राफर भी खड़ा रहा, फिर एक गाड़ी आती है उनको देती है कि झंडा उनके पास था, उनको पहचान नहीं पाया। लेकिन आम जनता की बात करी जाए, क्योंकि आम जनता बड़े पैमाने पर इकट्ठा हो रही है, ऐसा दिख रहा है जगह जगह पर। जगह जगह पे बिल्कुल दिख रहा है, भाजपा की रैलियों में भी दिख रहा है, कांग्रेस की रैलियों में भी दिख रहा है, और समाजवादी पार्टियों की रैलियों में भी दिख रहा है। खैर बीएसपी तो रैली कर ही नहीं रही, तो उसमें तो कोई दिखने का सवाल ही नहीं उठता है। तो उनके पास एक लीडर है, एक लीडर में आप भीड़ इकट्ठा करना आसान होता है। अच्छा। जब आप एक दिन में आप 20-20 रैलियां, 15-15 रैली करते हैं, तो उस समय भीड़ को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम होता है। वो जनता जो आती है वो पेड जनता नहीं होती है, पेड जनता कितनी आ सकते हैं, थोड़े पैमाने पर आप सब जगह पे 10-10 रैली एक साथ कर लीजिए एक दिन में, आप भीड़ नहीं इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा। मगर भाजपा के लोग सुनने के लिए, मोदी जी को सुनने के लिए, अमित शाह जी को सुनने के लिए, जेपी नड्डा जी को सुनने के लिए, स्मृति ईरानी जी को सुनने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को सुनने के लिए भीड़ उत्सुक है, उनको सुनना चाहती है। अच्छा, तो ये सपा वाले कह रहे थे कि इन लोगों ने विजय रथ यात्रा शुरू करी तो आप लोग डर गए और काउंटर में आप लोग ने अपनी 6 जन विश्वास यात्राएं शुरू कर दी। अब ये तो हमसे आज बेहतर जानते होंगे कि रैली किसकी पहले से आयोजित हुई थी और किसने पहले शुरू की है, और इनके इत्र वाले मित्र की बात तो आप सब जानते ही हैं। इत्र वाले मित्र आजकल आलम तो ये हो गया कि सुनने में आ रहा कि सपा जो अखिलेश यादव जी हैं, सुना वोटका की बोतल साथ में लेकर चलने, ऐसे कुछ फोटो वायरल हुई हैं, इतना दर्द उनके झलक उठा है। अब उस मित्र के बारे में कुछ कहना चाहें शायद तो बता दें प्रदीप चौधरी जी। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। प्रदीप भाई, दो तीन चीजें इन्होंने बोली है, बड़ी गंभीर बोली है भाई। पहली चीज तो ये कि आपके यहाँ जो भीड़ आ रही है वो आप लोग किराए पर लेके आ रहे हो। नितिन जी मुझे लगता है भाई साहब आज सुबह पार्टी कार्यालय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का जो भी प्रवक्ता आता है एक कैसेट मिलती है, वो पूरी भरकी दी जाती है, दिन भर वही एक ही रील इन पर रहती है। इनको ये पूछिएगा, ये कह रहे हैं हमारी 15 रैली होती है, क्या वो 15 रैली इनकी एक जिले में होती है? 15 जिलों में रैली होती। इसी तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी का जो विजय रथ यात्रा चल रही है, माननीय अखिलेश यादव जी की जो भीड़ है, रात को बरसात पड़ रही थी उन्नाव में। नितिन जी आपने बरसात देखी उन्नाव में? जी, सर्दी के मौसम में बरसात में लाखों लोग अगर सड़क पे है उसको भाड़े की भीड़ कहेंगे? भाड़े की भीड़ मैं बताता हूँ कौन लेके आ रहा है। जो इनका नगर निगम वाला रथ है, नगर निगम में जो कूड़े वाली गाड़ी होती है उस टाइप का रथ लेके घूम रहे हैं जनविश्वास यात्रा के नाम पे। मैं जो व्यक्ति, जो सरकार अपना पूरे जनपद में नहीं पूरे प्रदेश में आम वोटर में अपना विश्वास खो चुकी हो, अब वो जनविश्वास यात्रा निकाल रहे हैं 4.5 वर्ष में, 5 वर्ष सरकार चलाने के बाद में, इनको जवाबदेही बनती है योगी आदित्यनाथ की रिपोर्ट कार्ड दिखाने की। मैं ये भी जानना चाह रहा था प्रदीप भाई आपसे कि यूपी के नेता कम पड़ गए लगातार। मैंने अभी कंक्लूड नहीं किया, मैं एक चीज आपको इंक्लूड करना चाह रहा था कि यूपी के नेता कम पड़ गए, ये जो केंद्र के नेता बीजेपी, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, आपसे मैं बताना चाह रहा हूँ आपसे, ये भाई हमारे आए हैं साथ पहली बार टीवी पे बैठे हैं, इनकी भाषा से लग रहा है कि पहले कभी टीवी पे नहीं बैठे हैं। इनसे नितिन जी मैं पूछना चाहता हूँ, ये कोई काम बता पाएंगे जिसका शिलान्यास करके लोकार्पण इन्होंने किया हो? शिलान्यास का एक भी काम गिना सकते हैं? दूसरा जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपनी ये नहीं बता पा रहे हैं, उनकी बात कहने के लिए मध्य प्रदेश से नेता बुलाए जा रहे हैं, उनकी बात कहने के लिए हिमाचल से बुलाए जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, अजब तमाशा है भाई। स्टेट तो 5 स्टेटों में चुनाव है,
लेकिन मुझे लगता है योगी जी ने इस्तीफा दे दिया हो और 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कार्यभार ले लिया हो प्रधान मुख्यमंत्री का भी। अच्छा, ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो और उनको ज्यादा के बताना पड़ रहा है हमने ये किया है हमने वो किया है। 4.5 वर्ष में अगर काम किया होता योगी जी ने तो आज ये रिपोर्ट कार्ड देने जनता के बीच में जन विश्वास यात्रा नहीं ले जानी पड़ती। जनता के बीच में विकास के वादे और जो घोषणा पत्र है उसको लेके जाते हैं लोग और कहते हैं हमने जो घोषणा की तो पूरे कर दिए काम। एक काम इन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा किसान की आय दुगनी करेंगे। किसान आज बदहाली के आंसू भरा है। आज साल उनका खेत चल रहे हैं। इन्होंने कहा 70 लाख रोजगार देंगे। 3.5 करोड़ रोजगार तब तक खत्म हो गए। ये झूठे लोग हैं, ये झूठ बनाते हैं, ये झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं। इसीलिए नितिन जी रही बात माननीय अखिलेश यादव जी की कैसे बोतल लेके चलते हैं, जो बोतल पीता वही तो जानेगा ढक्कन में कौन सी ब्रांड है। अखिलेश यादव जी कांच की बोतल में पानी पीते हैं, सर्दी का मौसम है, प्लास्टिक के बोतल में गर्म पानी नहीं रख सकते। हाँ, सही बता रहे हैं। लेकिन चूंकि इन लोगों ने तो कुएं में भांग है, ये पूरे कुएं में भांग डालते हैं और सुबह जग के भारतीय जनता पार्टी के नेता एक एक लोटा पी करके एक ही गाना गाते हैं क्योंकि भांग के नशे में आदमी को दूसरा गाना याद नहीं आता है। ये गंजेड़ी भंगेड़ी लोग ये बताएंगे। रही बात इत्र कारोबारी की, अरे बेचारा पम्मी जैन के चक्कर में इन्हीं का व्यापारी मारा गया पीयूष जैन, और आप देख लेना पीयूष जैन को ये बिल्कुल हरिचंद साबित कर देंगे और एक हफ्ते में पीयूष जैन जेल से बाहर आ जाएगा। आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उसका टर्नओवर था ये, कल तक कह रहे थे इत्र कारोबारी समाजवादी पार्टी का था। आप मैं आपके चैनल से कहता हूँ पीयूष जैन की आप डिटेल निकाल लीजिए, 3-4 वर्ष की कॉल डिटेल निकाल लीजिए, सारा कनेक्शन वो पैसा राहुल बता रहे थे कि आपके यहाँ भी जो भीड़ आ रही, क्योंकि उन्होंने बात बोली कि सपा हो या कांग्रेस हो रैलियों में भीड़ आ रही है, उन्होंने आपका नाम भी लिया, लेकिन ये भी कहा कि आपके यहाँ भी हो सकता है कि शायद किराए मिला रहे हैं आप लोग, ऐसा है क्या? ऐसा होता तो भारतीय जनता पार्टी इतना घबरा न गई होती। किससे घबरा रहे आपसे? हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी से, कांग्रेस पार्टी से। जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यक्रमों में हुजूम उमड़ा है, चाहे वो बनारस की रैली हो, गोरखपुर की रैली हो, या मेरठ, सहारनपुर, या फिर आपका मैं बेटी हूँ लड़ सकती हूँ कार्यक्रम के तहत, अभी जो प्रतियोगिताएं हमारी चल रही थी और वहाँ ना कांग्रेस पार्टी ने किसी को कोई साधन लाने के लिए दिया था, केवल बेटियां प्रियंका गांधी जी से उत्साहित होके उत्तर प्रदेश के जंगल राज और अत्याचार के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ने में प्रियंका गांधी जी के हाथों को मजबूत करने और उत्तर प्रदेश के इस रावण राज और जंगल राज की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जितना जनसैलाब बेटियों का उमड़ा, उसको देख के भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। मैं आता हूं प्रधानमंत्री जी का जो सिद्धार्थ नगर कुशीनगर का दौरा था, पहले प्रधानमंत्री जी कहते थे मेरा रैला चल रहा है, अब वो बंद कमरे हाल एक छोटे पंडाल में मीटिंग करते हैं, वो भी किराए की भीड़ जुटाते हैं। और उनका जो लखनऊ की मीटिंग हुई थी उसमें पूरे प्रदेश के ग्राम प्रधानों को सुबह 5 बजे रोडवेज बस लगाकर ढो ले आए थे। बनारस में आशा बहु कार्यकर्तियों को मतलब इलाहाबाद में जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था उसमें उसको जबरदस्ती अब उनको नौकरी करना है, आना पड़ा, महिला अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके परेशान थी। देखिए जब उतने लोग आएंगे आग कहीं होगा तो धुआं उठेगा ही, जब आम जनता को परेशानी होगी तो लोग ये बातें चर्चा तो करेंगे ही। कोई ये हिंदुस्तान में ऐसा थोड़े है कि कांग्रेस पार्टी के रहते भारतीय जनता पार्टी लोगों को इतना डरा धमका देंगे कि बेटियां सशक्ति रहेंगी और आहे नहीं भरेंगी। लखीमपुर खीरी कांड में बेटी के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी ने जुर्म और अत्याचार होने से अगर बचा लिया होता, चीरहरण नहीं हुआ होता, अगर हाथरस की बेटी की चिता रात को 12 बजे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जलाया होता, उन्नाव में बेटी के साथ घृणित कार्य नहीं हुए होते, कल अमेठी में किसी दलित बेटी पे जुर्म और चिता नहीं ढाए गए होते, पूरे प्रदेश में अगर ब्राह्मणों की हत्याएं नहीं हुई होती, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हुआ होता, किसानों पे गाड़ियां नहीं चढ़ाई गई होती, 650 ऊपर किसानों की मृत्यु नहीं हुई होती, और हिमाचल प्रदेश में
उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अगर चारों सीटें हार नहीं गई होती, जनता अगर नकार न दी होती, तो क्या ये तीन काले कानून जो कह रहे थे किसानों से बात नहीं होगी, क्या वापस लेते? आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तो लगभग तय हो गया कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है तय समय पर ही होएगा। समय अभी तय नहीं हुआ, लेकिन ये कहा गया है कि जो समय अनुमानित है उसी समय पर हो जाएगा। अब आप लोग की क्या तैयारी, कैसे लड़ेंगे बीजेपी से? कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल पूरी तैयारी है और उत्तर प्रदेश की जनता 1989 के बाद विभिन्न दलों के द्वारा ठगी गई, छली गई, अब जनता जागरूक हो चुकी है, उसको कांग्रेस पार्टी ने जगा दिया है और जनता अब कांग्रेस पार्टी के लिए, अपने हक के लिए, इस प्रदेश के विकास और मुकम्मल तरक्की के लिए कांग्रेस के साथ है और अपने लड़ाई लड़ने के लिए जनता निकल पड़ी है, बेटियां निकल पड़ी हैं, महिलाएं निकल पड़ी हैं, किसान निकल पड़े हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनाव में मैं गारंटी से कहता हूं 20 सीट भी नहीं मिलने वाला है पूरे प्रदेश में, और कांग्रेस पार्टी की आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ठीक ठीक, अतीक खान हमारे साथ सुभाषपा से जुड़े हुए हैं। अतीक भाई, रैलियों की बात हो रही थी और अभी राहुल गुप्ता जो बीजेपी से हैं उन्होंने इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश में अन्य राजनीतिक दल जो रैली कर रहे हैं उसमें भीड़ तो आ रही है लेकिन किराए की आ रही, पहली चीज, क्योंकि आप भी सपा के साथ हैं और आपके यहाँ भी रैलियों में अच्छी खासी भीड़ आ रही है। कई बार जो रथ यात्रा निकाली गई अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा, उसमें भी आपके नेता मौजूद थे। दूसरी चीज, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई और उससे साफ साबित हो गया कि चुनाव आने वाले हैं, अब बिल्कुल सर पर हैं। क्या तैयारियां हैं, कैसे लड़ेंगे आप लोग? और जिस पार्टी में इतने सीनियर लीडर आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी संख्याएं केंद्र से नेता आ रहे हैं, लगातार रैलियां हो रही हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों में, उस पार्टी से कैसे लड़ेंगे? क्योंकि राहुल गुप्ता कह रहे हैं कि आप लोग के पास खाली एक ही नेता है। देखिए नितिन भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, आयोग ने जो भी निर्णय किया है उसकी गाइडलाइन के अनुसार ही हमें चुनाव लड़ना चाहिए और हमें अपनी रैलियां करनी चाहिए। अब आता हूं मैं दूसरी चीज़ पर, चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया है वास्तव में देश हित में निर्णय लिया है, क्योंकि चुनाव आयोग भी इसी देश का है, वो जानता है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, जब से चुनाव का बिगुल बजा है तब से मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री जी तो उत्तर प्रदेश में ही हैं लेकिन गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश में ही डेरा गाड़े हुए हैं। तो आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपने कल कानपुर में देखा होगा, एक फोटो वायरल हुआ था कि हमारे प्रधानमंत्री जी टिकट लेकर के चल रहे थे मेट्रो में और मास्क नहीं था मुँह पे। अब आप खुद जान लीजिए चुनाव आयोग क्या करेगा। चुनाव आयोग भी जान रहा है कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी देश के मुखिया होकर के मुंह पे मास्क नहीं लगा रहे तो चुनाव करवा देना ही बेहतर है देश हित में। अच्छा। दूसरी चीज ये है कि आपने देखा होगा कोरोना की पहली वेरिएंट आने से पहले ही नमस्ते ट्रंप चालू किया था प्रधानमंत्री जी ने, और नमस्ते ट्रंप का ये रिजल्ट आया कि पूरे देश में कोरोना फैल गया। दूसरे वेव में मैं आपको बताऊं, चूंकि मैं भी प्रत्याशी था जिला पंचायत सदस्य का, तो मैंने देखा है नज़दीक से कि लोगों को मरते हुए, लोगों को जिस भी गांव में जाता था रोज कोई ना कोई वहां पर घटना हो जाती थी। तो उस समय भी प्रधानमंत्री जी बंगाल में चुनाव कर रहे थे। तो चुनाव आयोग ने जो भी कदम उठाया है बहुत सराहनीय उठाया है और भाजपा को इस बार हम खदेड़ा करेंगे उत्तर प्रदेश से भी और केंद्र से भी। ये भीड़ वाली बात जो कह रहे थे कि हाँ, भीड़ पे मैं आ रहा हूँ सर, जो हमारी भीड़ हो रही है, मैं आपको बताऊँ आज जो हम बात कर रहे हैं, हम भाजपा की तरह हिंदू मुस्लिम पे मंदिर मस्जिद पे बात नहीं कर रहे हैं, हम किसानों पे बात कर रहे हैं, हम युवाओं पे बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारों पे बात कर रहे हैं, जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा पे बात कर रहे हैं, जो किसान हैं उनके हालात पे बात कर रहे हैं। भाजपा जो 5 साल वादा की थी वादे को पूरा नहीं कर पाई है, उसके हालात पे जो अपने वादे से मुकर गई है उस पर हम बात कर रहे हैं, इसलिए भीड़ आ रही है क्योंकि हम जनता के बेसिक मुद्दों पर, जनता के बुनियादी मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। अब आप एक चीज और देख लें नितिन भाई कि जब किसान रोड पे थे तो यही भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे थे कि किसान जाहिल है, किसान पढ़े लिखे नहीं है इसलिए आ रहे हैं, ये आंदोलन जीवी हैं, पता नहीं क्या क्या पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। अब आपको मैं बताऊं, किसान के साथ साथ बैंक कर्मी भी सड़क पे आ गए हैं। आप जो जहां आप लोगों की रिपोर्ट मैंने देखा है कि 300 करोड़ रुपए एक दिन का वेतन कटवाया था बैंक वालों ने, क्या वो पढ़े लिखे नहीं है?
वो तो समाज के पढ़े लिखे व्यक्तियों में से आते हैं। आपको बताऊं, डॉक्टर भी रोड पे आ गए हैं नितिन भाई, डॉक्टर भी पढ़े लिखे हैं, आज वो भी रोड पे आ गए हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और प्रदेश को रोड पर लाकर के खड़ा कर दी है। और आपको एक चीज और बता दूं, ये जो नया वेरिएंट आया है इससे भी खतरनाक भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, उतना नुकसान उस वेरिएंट से नहीं होगा जितना नुकसान अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ महीने और रही। अच्छा, तो देश को उससे ज्यादा नुकसान कर देगी, देश और प्रदेश को। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है। जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ आ चुकी है, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं, हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, हम अंबेडकरवादी हैं, तो इसलिए जनता हमारे साथ खड़ी है और 2022 का चुनाव जनता हमें जिताएगी। ठीक है, धन्यवाद आपका। सुयास मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं पत्रकार के रूप में। सुयास भाई, मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में अब होप है कि बहुत जल्दी चुनाव हो जाएगा, उम्मीद लगाई जा रही है, और दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की तरफ से रैलियों का जो तांता है वो पहले ही चल चुका था, चुनावी यात्राएं पहले चली जा रही थी, अब उसे और बढ़ाया जाएगा, उसके बड़े पैमाने किए जाएंगे, नेताओं को और बूस्ट अप किया जाएगा ताकि वो जनता के बीच जाएं। आपको क्या माहौल लग रहा है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं दो खेमों में बंटता हुआ नजर आ रहा है, एक बीजेपी और दूसरा सपा। बीजेपी के पास अपना अलायंस है, सपा के पास अपना अलायंस है, ये दो खेमों में चुनाव दिख रहा है। अन्य राजनीतिक दलों के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी उम्मीदें हैं और अब आगे की ये जो उम्मीदें हैं ये और कितनी बेहतर वो कर सकते हैं, ये सारे सवाल हैं। ये पहला सवाल जो आपका हमने समझा कि चुनाव आयोग ने आज स्पष्ट कर दिया है कि 4-5 तारीख को जो फाइनल सूची, आखिरी सूची जो मतदाता सूची आ रही है, कहीं ना कहीं उसके आने के बाद में डिक्लेयर हो जाएगा कि चुनाव कब होगा, पहला। दूसरी चीज की स्थिति किसकी बन रही है, जो मेरे हिसाब से जो दिख रहा है वो सीधी लड़ाई सपा और बीजेपी में ही है। हालांकि पिछले 2007 से अब तक के चुनावों के नतीजों को देखें तो दोबारा पूर्ण बहुमत से जनता ने सबको चुना है, लेकिन दोबारा कोई नहीं आ पाया। लेकिन इस बार समीकरण क्या होंगे, तो अभी दो प्रकार से अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो दो प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। पहली कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री और खासकर अमित शाह ने भी कहा है कि भाई मुख्य 2024 को लेकर के, क्योंकि केंद्र समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश का से ही देश का रास्ता जाएगा और वो उत्तर प्रदेश के इस चुनाव को लोकसभा चुनाव से जोड़ करके देख रहे हैं। अमित शाह जी का बयान अगर अभी देख लीजिए तो उन्होंने कहा था कि 2024 अगर 2022 में 2024 में मोदी जी को लाना है तो 2022 में योगी जी को जिताना है। तो कहीं ना कहीं 2022 में एक चेहरा तो योगी जी, दूसरा अगर 325 सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अलायंस में आई थी, अगर हम देखें अगर बीजेपी उससे कुछ डाउन होती है तो कितना डाउन होती है, अगर डाउन होती है तो दूसरा चेहरा बीजेपी के पास में केशव प्रसाद मौर्य के रूप में है कहीं ना कहीं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य वो व्यक्ति हैं, अगर अलायंस की बात आएगी, अगर बीजेपी 200 के अंदर रह जाती है तो केशव प्रसाद मौर्य से तमाम दल अलायंस करने को, चाहे वो बसपा से मायावती हो और भी दल हैं, राष्ट्रीय लोक दल की बात करें तो बाद में भी अलायंस कर सकता है वो, और हो सकता है वो योगी आदित्यनाथ के साथ में ना आए। अच्छा। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य एक बेहतर विकल्प में हो सकते हैं। यही कारण है कि अमित शाह ने अभी एक रैली में केशव प्रसाद मौर्य की बहुत तारीफ की, खासकर 2017 के चुनाव के पहले की अगर बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य की अहम भूमिका भी रही है, प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में ही चुनाव जीता गया। दूसरी बात अगर कांग्रेस की हम करें तो कांग्रेस में अगर हम देखें तो कांग्रेस में प्रियंका जी ने बहुत जान फूकने की कोशिश की है, लेकिन अभी वो दिख नहीं रहा है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ खूब पॉपुलर हो रहा है, लोगों की भीड़ जुट रही है, लेकिन अभी वो जो जीत और ये आंकड़े सीटों के आंकड़ा है वो कहीं नहीं दिख रहा है। बसपा की बात करें तो आप ही के अभी साथी तमाम कह रहे हैं कि बसपा थोड़ा सा अभी रैलियां भी नहीं दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं बसपा को पता है और बसपा बैकफुट पे धीरे से अपना काम कर रही है। कहीं ना कहीं लोग भी कह रहे हैं कि अब बसपा बीजेपी के साथ जाएगी, अलायंस करेगी, क्या करेगी, अभी कुछ नहीं पता है, अभी बसपा की स्ट्रेटजी समझ से बाहर है। लेकिन सपा की बात करें तो सपा को जबरदस्त चुनाव में जन समर्थन मिल रहा है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। ये कह रहे हैं कि वो पैसा वाले आ रहे हैं सब,
नहीं नहीं, ये तो अपना राजनीतिक, आप बहुत सारी राजनीतिक दलों को कवर करते रहे, हमने भी बहुत सारे राजनीतिक दलों को कवर किया। भीड़ कैसे जुटाई जाती है ये आप भी जानते हैं, पचासों हजार लोग भीड़ में आते हैं, रैलियों में आते हैं, कैसे आते हैं इस पे चर्चा करना ये ठीक नहीं होगा। भीड़ कैसे आती है ये आप भी जानते हैं और साथ ही हमारे जो पैनल में बैठे हैं वो सभी जानते हैं भीड़ कैसे आती है किसी भी दल में, लेकिन वो विषय नहीं है। विषय ये है समाजवादी पार्टी पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हुई है, निश्चित तौर पर इसे नकारा नहीं जा सकता है। चाहे वो अलायंस में बात करो, शिवपाल यादव भी उनके साथ आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर आगामी विधानसभा चुनाव में होने वाली है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ राहुल, आपने सबकी बातें सुनी, अब आपका जवाब, क्योंकि आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़का भी लड़ सकता था, मगर लड़की को आगे किया उन्होंने। हम कांग्रेस तो लड़की को आगे कर दिया तो आपको क्या दिक्कत? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपके राज में तो बेटियां असुरक्षित हैं ना, उन्हें सबल बनाना पड़ेगा। किसके राज? भारतीय जनता पार्टी के राज। आज तक 70 साल में सब लड़के आपने सुरक्षित कर दी थी? बिल्कुल। अच्छा, और समाजवादी पार्टी ने भी कर दी होंगी, तभी उनसे आपका अलायंस हुआ था 17 में। सपा कहाँ मिली है चौबे जी, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? सपा इनसे मिली हुई है, इनको मुख्यमंत्री जी ने दावत दिया था कि नहीं? अब किसी को दावत पे भी ना बुलाए, अब आप ऐसी प्रतिबंधी लगा देंगे किसी दावत पे भी ना बुलाए किसी को? आपको अब राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे हैं, आप जिस पार्टी आप राहुल गांधी, अगर राहुल गांधी की शादी होगी तो मोदी जी जाएंगे, आप उसको नहीं काट सकते। आप देख लीजिएगा, ऐसा भी होगा, ऐसा नहीं कि आप राहुल गांधी दावा देंगे। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। चलिए ठीक है, बैक टू द टॉपिक। नहीं, कांग्रेस क्या ये लड़की लड़ सकती? 40% टिकट जो उत्तर प्रदेश में दे रही है, क्या वो दावे से कहेगी मैं पंजाब में भी चुनाव हो रहा है मैं 40% टिकट दूंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी उसकी जमीन बची है और वो अपने किसी विधायक का टिकट नहीं काटेगी? उसके किसी विधायक ने सिंगल किसी एक आदमी का काम किया है? जनहित के मुद्दे पे नहीं, जनहित के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी कहीं पे भी खड़ी दिखी? यूपी की लड़की लड़ सकती है, पंजाब की लड़की नहीं लड़ सकती है? आपका कहने का मतलब ये है पंजाब की लड़की लड़ सकती है, कमजोर है वो, यूपी की लड़की मजबूत है, लड़ सकती है? आपके कहने का आशा ये है, आप कह रहे हैं हमारा आशा कुछ नहीं, आशा आपका है। उत्तर प्रदेश में बेटी से भारतीय जनता पार्टी और आपके प्रधानमंत्री जी नहीं लड़ सकते, जैसे हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रखर वक्ता, ये तो जुमले वाले नेता हैं, प्रखर वक्ता को पूरे देश से उखाड़ के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को फेंक दिया था और 10 साल आप अस्तित्वहीन हो गए थे। अब आपको डर है कि उन्हीं की बेटी आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभालनी है और भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिटने जा रहा है, प्रदेश ही नहीं पूरे देश से, और आपको पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने एक दलित चीफ मिनिस्टर बना दिया तो आपके पेट में मरोड़ उठने लगा, आपको इतना दर्द हो रहा है। तो आपकी बात नहीं, मैं आपकी आप उत्तर प्रदेश में दलित में दलित की बेटी को रात में जलवाते हैं? दलित क्या होता है? आप अमेठी में महिला होती है, महिला होती है, दलित नहीं होती है, आप महिला होती है। आप बात करते हैं, जिसने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी वो बात करते न्याय की? उत्तर प्रदेश में आप बात करते न्याय की? आप बात करते न्याय की? आप क्या बात करें न्याय की? 1975 में इमरजेंसी लगाने वाले लोग आज सुरक्षा की बात करते हैं? अरे आप अपने आप को देखिए, आप गिरबान में जाकर देखिए, आप गिरबान में जाकर देखिए आपका इतिहास क्या रहा है, नेहरू गांधी परिवार का इतिहास क्या रहा है, इतिहास देखिए आपका, आप घर वाले आपसे अलग है, आप अपना इतिहास देखिए, नीति पे क्यों चल रहे हैं? आज आपने किया है फूट डाल रहे हैं देश में, फूट डाल रहे हैं देश में, आपकी पुलिस हमारी जनता को लूट रही पुलिस है, कहीं व्यापारी का गोरखपुर में इनकाउंटर कर देती है, कहीं एप्पल के मैनेजर का लखनऊ में एनकाउंटर कर देती है, ये प्रदेश में जंगल राज है, नहीं है पुलिस, क्या? पुलिस सरकार की होती है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि पुलिस सरकार की होती है। अभी तक सीबीआई वाले नहीं, आपके मुख्यमंत्री जी कोरोना पीरियड में एनआई के कैमरामैन को गाली बकते हैं, आपके एक हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हड़काते हैं कि हाथ पर तोड़ दिया जाएगा, ये क्या प्रदेश में? ठीक है ठीक है ठीक है, राहुल को अपनी बात पूरी कर दीजिए, राहुल चौबे जी बोल रहे हैं। जो लाल टोपी की जो बात, जो लाल टोपी हमारे मित्र पहने हुए हैं, इनकी लाल टोपी कैसे हुई है? इन्होंने राम भक्तों को गोलियां चलवाई थी, इससे जो है इनके टोपी का रंग लाल हुआ है। आ गए अपने अपने आप से, आ गए भाजपा वाले, अब राम भक्त मंदिर में मस्जिद अतिथि पे आ गए। इसने सहा है वो बोलेगा,
आप सहा नहीं है, आंदोलन में गए हैं ना, बोल सकते हैं ना इमरजेंसी में आपके घर कोई बंद हुआ है ना बोल सकते हैं। जिसके घर का बंद हुआ है, जिसने शहादत दी है वो बोलेगा, आप रोक नहीं सकते उसको बोलने से। भारतीय जनता पार्टी का कोई एक क्रांतिकारी हो, आप बोल रहे हैं आजादी के लड़ाई में सिंगल किसी का योगदान हो, अरे क्या बात करते हैं, 17 अलायंस करते 12 बार कहते अरे वो तो गलत हो गया मुझसे, फिर उसमें अलायंस करते अरे वो तो गलत हो गया। अब चाचा भतीजा चाचा भतीजा को, क्योंकि देखा कि जो था वो भी नहीं बचने वाला है, चलो अलायंस करते हैं, कोई अपनी सीट तो बचा ले कम से कम, ऐसा ना हो कि हम हमने खुद की सीट ना बचे तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अरे आपका मुख्यमंत्री क्या हुआ, आप अलायंस करने के लिए तो सब जगह अरे हमारे यहाँ से मध्य प्रदेश चुनाव हुआ, प्रदेश में आप जगह की टीम गई, वेस्ट बंगाल चुनाव हुआ तो भी मेरे पूरे देश की टीम गई, महाराष्ट्र में अजीत पवार जी को रात में, ठीक है चौबे जी, का प्रमाण पत्र लेके हुआ हमारे साथ आ रहा है, ठीक है प्लीज स्वच्छता का प्रमाण पत्र तो मां गंगा लेते थे, ठीक है चौबे जी, गंगा माँ का भी हक मार डाला इस देश से, अब आप स्वच्छता प्रमाण पत्र बांटने लगे, ठीक है आज भी सर्वे है, तेज आवाज बोलने से भारतीय जनता पार्टी के लोग तेज आवाज से जनता की आवाज को दबा नहीं सकते, नितिन जी चौबे जी को 1 घंटा देना स्पेशल किसी दिन। हाँ बुलाता हूँ मैं किसी दिन उनको और आपको दोनों लोगों को जी। नितिन जी जिस तरीके की भाई अभी राहुल जी ने कहा है भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है कि राम भक्त पे गोली चलाना ये सब करना। हेलो हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी जब से जनविश्वास खो चुकी है, 700 किसानों की हत्या करा दी उन्होंने, 700 किसानों की शहादत के हत्यारे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। लखीमपुर के इनके गृह राज्य मंत्री ने गाड़ी चढ़ा के किसानों को चल दिया, हाथरस दलित की बेटी को ये जनता जलवा देते हैं मिट्टी का तेल डाल के, 400 ब्राह्मणों की हत्या कराने के बाद ये ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी पूर्ण अपना विश्वास खो चुकी है। अगर इनमें हिम्मत है तो योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़े, अपने विकास कार्य बताएं, अपना रिपोर्ट कार्ड बताएं, या आपके पास एक प्रवक्ता के रूप में बैठे पूछो जरा इनका घोषणा पत्र पढ़ के सुना सकते हैं अपना। इनके पास केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा कोई नारा है दूसरा? ये टोपी के लिए काहे बोल रहे थे? टोपी तो अरे भाई आपको पता नहीं हमारे इतिहास में लाल कपड़े से सांड बिछक जाता है। अच्छा लाल टोपी क्रांति की निशानी है। आप जाइए सरदार भगत सिंह जी के म्यूजियम में लाल टोपी रखी है। जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति लाने का काम किया, उस JPNIC को बर्बाद कर दिया। लाल टोपी मान सम्मान का, लाल टोपी क्रांति का, लाल टोपी स्वामीवाद का प्रतीक है। और लाल टोपी क्योंकि ये लोग कोई किसी ने शादी नहीं किया, कोई अपनी बीवी छोड़ के रह रहा है, हमारी देवी देवताओं की पूजा में हमारी माता रानी की सेवा में लाल सिंदूर लगता है, हमारी माता बहनें लाल मांग भरती है, ये माता बहनों का अपमान है लाल टोपी का अपमान, ये हमारे देवी देवताओं का अपमान है। आज हमारे रोली कलाया जो बांधा जाता है वो भी लाल रंग का होता है, ये धर्म की बात करेंगे? लाल रंग का अपमान समस्त हिंदू धर्म का, समस्त माता बहनों का अपमान है।
ये क्या ले लाल टोपी क्या होती है? हाँ राहुल क्या राहुल, और लाल टोपी जिस दिन से चली है देश प्रदेश में लाल टोपी का इनकलाब है, जन सैलाब उमड़ पड़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, देश के प्रधानमंत्री जी को, इनके गृह मंत्री को रात में लाल टोपी दिखाई देती है। और इतना ही ऐसा है, संजय निषाद इनके अलायंस पार्टनर है, उनकी भी लाल टोपी है। अलायंस क्या तोड़ पाएंगे इनसे पूछिए, या उद्धव टोपी का ठीक है जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं राहुल से। राहुल कुछ नहीं भाई, आ रहा बस सुनिए, जवाब लीजिए प्रदीप भाई, ठीक है प्रदीप भाई जवाब ले लीजिए, जवाब लोगों को गुमराह करते हैं आज राशन में, राशन बांटने भाई तमाम, अब आप भी वही चौबीस जी वाला हाल कर रहे हैं, हमारी पार्टी को जवाब लीजिए। अखिलेश यादव आते हैं, प्रदीप भाई आ गया जवाब आ गया, ये नौजवान का रोजगार छीना चाहते हैं, ठीक है आ गया जवाब आ गया, प्रदीप भाई जवाब आ गया, रोटी खाने के लिए आदमी जी रहा है क्या? प्रदीप भाई जवाब आ गया, राहुल से जवाब ले लीजिए। पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया, बिजली यूनिट 8 रुपए यूनिट हो गई, जब आदमी कमाने नहीं जाए कहां से भरेगा? ठीक है हो गया प्लीज प्रदीप भाई, हालात ये सारा रात को रात रात किसान रखवाली, ठीक है ठीक है प्रदीप भाई, प्रदीप भाई प्लीज, साल जो है खेत चल जा रहे, ठीक है ठीक है हो गया भाई, बात आ गई आपकी प्रदीप भाई, जवाब ले लीजिए राहुल से। हाँ राहुल बोलिए, ये लोग क्या जवाब देंगे? हाँ लाइए जवाब तो लीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं वो, कुछ कहना चाह रहे राहुल से जवाब लीजिए। जिसकी ना फटे बीमारी वो क्या जाने पीर पर आई, ठीक है सुन लीजिए, सुनिए क्या कह रहे हैं, तो बलात्कार है जानते हो, सुनिए क्या कह रहे हैं, एक कहावत मेरे पास है, एक कहावत जो है हमारे पास है, साहब के ख्वाब में अंडे और बंदर में छिछड़े, वो प्रदेश नहीं समझ पाए, गिनते रहिए आप लोग। और प्रधानमंत्री नारी सम्मान की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नारियों पे भाषण देते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ जसोदा बहन किसी की बेटी नहीं है क्या? वो नारी नहीं है जो व्यक्ति स्वयं की पत्नी को छोड़ के देश में अपने मुलायम सिंह किसी के पिता नहीं है, सुखपाल सिंह चाचा नहीं है, मन से धक्का दे दिया, ये चाचा नहीं है, बाप नहीं है किसी के, क्या बात करते हैं? भाजपा बताते हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी को धक्का क्यों दे दिया? 73 लोकसभा, अरे आप उन्हीं के लाइन में, आप उन्हीं कोर्ट में बैठ जाइए, अरे आप कोर्ट में बैठ जाइए, अलायंस कर लीजिए, कोर्ट में बैठ जाइए, आज ही के तारीख के दिन रोज विधानसभा के छात्रों पे लाठियां कौन चलवा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग बनारस में बेटियों पर रात को 12 बजे नवरात्रि में लाठीचार्ज को हिंदू बनाओगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग आप उनको दामाद बनाओगे, हमको बनाओगे, हम बेवकूफ है, ये प्रदेश की जनता जान चुकी है नितिन जी, और इनको बता दीजिए आने वाले 2022 में इनका खदेड़ा होने वाला है। ठीक है ठीक है प्रदीप भाई, ठीक है ठीक है, अति कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए फिर राहुल के पास चलते हैं। बिल्कुल नितिन भाई मैं आपको बता दूं, हमारे कांग्रेस के और बीजेपी के दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं इस देश को पीछे करने में बहुत बड़ा हाथ भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन उससे भी बड़ा हाथ कांग्रेस का है। अब कांग्रेस से भी दिक्कत है आपको, इसीलिए तो जो हमने 70 साल में बनाया भाजपा बेच रही है और आपने समर्थन दिया था। चौबे साहब आप मेरी बात सुने, वजह मैं बता दूं, क्योंकि जब गुजरात में दंगे हुए थे तब केंद्र में आपकी सरकार थी, अगर आप उसी समय यूएपीए एनएसए लगा दिया होता तो आज देश को ये दिन नहीं देखने पड़ते। चौबे साहब अब दूसरी चीज पे आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2013 में कहा था कि रुपया उसी देश का गिरता है जहां की सरकार गिरी हुई और भ्रष्ट हो। आपको मैं बताऊं आज रुपया पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी हुई है। अब दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं, चौबे साहब सुनिए और बीजेपी के हमारे राहुल भाई आप भी सुनिए, 200 से ज्यादा मुकदमे भारतीय जनता पार्टी ने वापस लिए हैं, अपराधियों की बड़ी लिस्ट है राहुल जी, राहुल जी अपराधियों और आरोपियों की कितनी बड़ी लिस्ट है आपकी पार्टी में, 200 से ज्यादा मुकदमे वापस लिए गए हैं। अरे आप बताएंगे नहीं, आप और बता दूं और आपके दो जनता साथी माला माल आपके सरकार में, आपकी सरकार में, आपकी सरकार में 300 करोड़ रुपए नगद बरामद हो रहे हैं, तो बताइए जब इतने सारे पैसे जमा हो गए थे ये भाजपा के लोग इतने पैसे क्यों इकट्ठा कहां करवा रहे थे? और आपके पार्टी आपके प्रधानमंत्री जी हाथ है कानपुर, क्यों नहीं नामों का खुलासा किए? सपा के भी मुखिया मांग कर रहे हैं कि सीडीआर का खुलासा किया जाए,
जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी पार्टी में तमाम बैरों में भ्रष्टाचार हुआ, इन लोग ऑक्सीजन नहीं दे पाए, आपको तो याद होगा ना बैठक। नितिन भाई, नितिन भाई, जनता जनार्दन है, जनता इस बार इंतजार कर रही, जनता सिर्फ रिपोर्ट कार्ड चाहती है। जनता जो भी पार्टी जाएगी तो रिपोर्ट कार्ड ही देख करके फैसला करेगी हमें किसकी सरकार बनानी है। और आज आप देखिए नितिन भाई कि जब हमारी रैलियां होती है तो जनता और लोग कितना ज्यादा भीड़ उमड़ती है। जनता जनार्दन है, जनता ही फैसला करेगी किसकी सरकार बनानी है। जवाब लेने के लिए हो गया, प्लीज प्रदीप भाई आ रहा हूँ, प्रदीप भाई आपके पास आऊंगा। पार्टी सरकार ठीक है, ठीक है प्रदीप भाई, मेट्रो में बैठे, ठीक है ठीक है। मुरली मनोहर जोशी हो गया, प्रदीप भाई आ गई बात आपकी, जवाब थोड़ा लेते हैं राहुल से, बहुत सारे सवाल आप लोग ने पूछ लिए। कोई भी हो गया प्रदीप भाई, गाँव खोद लिए थे आज भी। अरे ठीक है सर, हो गया प्रदीप भाई, हो गया जवाब अब लेते हैं क्योंकि काफी समय से राहुल राहुल बताइए टूरिस्ट वीजा पे आती है साल में। प्रदीप भाई एक एक करके बोलिए भाई, सुन लीजिए पहली बात, तो नहीं है लोग। प्रदीप भाई सुन लीजिए, हाँ बताइए राहुल। 2019 में सीए बिल आया था, उसके बिल में परिवर्तित एक्ट आया था, उस बिल में परिवर्तित हो गया। आपने पूरे देश को गुमराह कर दिया, सारे मुसलमान निकाल दिए जाएंगे, ये हो जाएगा, फेंक दे। दो साल में कितने मुसलमान निकाल के फेंक दिए गए देश से, कितने मुसलमान निकाल दिए गए देश से? तो क्या है आपके प्रधानमंत्री? अरे मैं आप पूछ रहा हूँ कितने मुसलमान निकाल देते, अरे कितने मुसलमान निकाले? कानून पढ़ा नहीं, कानून का ज्ञान नहीं, केवल है भ्रमिकता। दूसरी बात, दूसरी बात, अरे दूसरी बात सुनिए पहले आप, दूसरा सुनिए उसके बाद वैक्सीन आई। मैं भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, अरे वैक्सीन भाजपा की नहीं है। आपके आंखों में भाजपा का पट्टा बांध रखा है, भाजपा 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 जो करते। अरे भाजपा ने किया, सीबीआई जांच हो गई, भाजपा ने करा दी, ईडी जांच हो गई, भाजपा ने करा दी, रेट पड़ी, भाजपा ने करा दी। अरे भैया किसी रेट पड़ती है तो सरकार रेट डलवाती है, वो बीजेपी का आदमी हो, कांग्रेस का आदमी हो, सपा का आदमी हो, किसी का भी हो, रेट काम अलग होता है, वो सरकार नहीं करती है, इतना पता होना चाहिए। अभी ये परसों आप कहे थे भाजपा ने डलवाई, हम कह भाजपा का आदमी, अब भाजपा अपने आदमी ने डलवाएगी? अरे कहीं तो सोचिए, कुछ तो बोलिए। आपके अखिलेश यादव कहते हैं आकर के कि वो भाजपा की वैक्सीन लगवाऊंगा नहीं, जनता को भ्रमित कर दिया आपने, क्यों कर दिया? कितने लोग आके उस मर रहे? 700 लोग शहादत देते, कितने लोग मर रहे? तो क्या भारत भाजपा के लोगों को छोड़ देगा? संविधान के प्रति देखिए ऐसे डिबेट नहीं होती भाई, उनको एक एक करके बोलिए आप लोग। चलिए ठीक है प्लीज, हो गया, हो गया आप सबका, हो गया हो गया आप सबका, हो गया हो गया प्लीज, ऐसे डिबेट नहीं होती, हो गया आप सबका, हो गया ठीक है प्लीज। चौबे जी नितिन जी आपके चैनल पे घोषणा करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार तो लीजिए चौबे जी, सामने वाला क्या कह रहा है। अगर मुख्यमंत्री जी अपनी सीट हार जाएंगे तो मैं अपने बालों का मुंडन करवा दूंगा। आपने हो गया, अरे आपने हो गया, हो गया, हो गया, आप लोगों का, आप लोगों का हो गया। ठीक है प्लीज, हो गया हो गया हो गया। देखिए मैं आप लोग का ऑडियो बंद करा दूंगा भाई, मैं आप लोग का ऑडियो बंद करा दूंगा। नहीं 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 ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं प्लीज, हो गया हो गया हो गया हो गया। हम सुरेश मिश्रा के पास चलेंगे प्लीज, हो गया प्लीज, शांत रहिए चौबे जी, चौबे जी प्लीज, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं प्लीज, चौबे जी शांत रहिए, प्रदीप भाई शांत रहिए, सुरेश मिश्रा के पास हम चलेंगे। सुरेश अब आगे की क्या रणनीति राजनीतिक दलों की होनी चाहिए और जनता के मुद्दों पर चर्चा होना कितना जरूरी है, क्योंकि देखा तो जा रहा है कि बीते काम बताए जा रहे हैं, बीती सरकारों के काम बताए जा रहे हैं, कमियां बताई जा रही हैं, सारी चीजें बताई जा रही हैं जनता के बीच जा जाकर, लेकिन मौजूदा समय में जो आम जनता के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चर्चा होना कितना जरूरी है इस चुनाव को देखते हुए? देखिए बहुत मूल और बहुत गहरा प्रश्न है और यही सब दरकिनार करते हैं कोई भी राजनीतिक दल हो। आज के दौर में अगर देखें तो वर्तमान में महंगाई किस स्तर पर पहुंच गई है ये किसी से अछूता नहीं, लेकिन कोई भी दल इस मुद्दे पर काम कर नहीं चाहता। अब कुछ कोई राम को पकड़ के बैठा है, कोई किसी को पकड़ के बैठा है, हर व्यक्ति अपना अपना पकड़ के कुछ ना कुछ बैठा है। अभी कांग्रेस ने बेटी हूँ उनको उत्तर प्रदेश में बेटी दिखी है, तो कहीं ना कहीं सब हर व्यक्ति महंगाई अभी बड़ा मुद्दा है, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं,
दाल के रेट बढ़ रहे हैं, तेल आम आदमी के लिए हाँ वो अलग बात है, लेकिन क्या क्या खाएगा आदमी? आप कितने दिन तक किसको कितने दिन तक आप फ्री में राशन दे सकते हैं? चुनाव 3 महीने का और है, ये बहार आई है, ये बहार अभी चली जाएगी 3 महीने बाद, लेकिन 250 रुपये के किलो एक आम मजदूर किसान का बेटा 250 रुपये किलो तेल कैसे खरीद कर खाएगा? उज्ज्वला योजना में सिलेंडर तो मिल गए हैं, लेकिन कैसे आज कितने रेट हो गए हैं? 800 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, सब्सिडी भी लोगों को नहीं मिल रही है, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं। यही पेट्रोल के दाम जब 68 से 60 रुपये 50 रुपये 60 रुपये थे, तब स्मृति ईरानी जी, बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता सिलेंडर ले लेकर के रोडों पर दिखाई देते थे, लेकिन आज 100 रुपये में पेट्रोल बिक रहा है। लेकिन कोई भी दल नहीं है, कोई भी नेता अभी नहीं दिखा इतना जो इतने बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज कर पाए, इतने बड़े पैमाने पर इसका विरोध कर पाए। 30 रुपये किलो आलू बिक रहा है, प्याज की कीमत 50 रुपये तक पहुंच गई थी। क्या खाएगा आम आदमी, कैसे जिएगा आम आदमी, किसी को फिक्र है? ये चुनावी मौसम है, बहार है, 3 महीने तक लोगों को मिल जाएगा। जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मूल मुद्दे हैं, उन पे फोकस ना करके राजनीतिक दल सिर्फ आपसी प्रतिद्वंद्विता, उनका काम गिनाने का, उनका उन पे कमियां निकालने पर बहस होती है। क्योंकि ये मुख्य मुद्दे हैं, इस पर बहस कोई करना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये चुनौती भरे कार्य हैं, इससे निपटना भी इतना आसान नहीं है। जी ठीक है, राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, समय बहुत कम। अमेठी में एक राहुल गांधी जी की रैली थी, उसमें प्रियंका गांधी मौजूद थी, तो उनसे सवाल पूछा पत्रकार ने कि महंगाई पे आप क्या कर जाते हैं? हिंदू हिंदुत्व, हिंदू महात्मा गांधी, हिंदुत्व नथुराम गोडसे। अरे उन्हें कुछ नाम तक तो पता नहीं, हिंदू हिंदुत्व, भारत भारती, सनातन सनातनी, एक ही होता है, अलग नहीं होता है, यही अंतर है हिंदू हिंदुत्व में, भारत भारती में, सनातन सनातनी में। तो आपको इससे दिक्कत है कि अरे ये हिंदू की बात ये करते हैं, सुनिए तो आप सुनते ही तो नहीं। सरकार में हिंदू नेता की हत्या क्यों होती है? अब आप हिंदू पे आ गए, दलित पे आ गए, संतों की हत्याएं क्यों होती हैं? अभी आप कह रहे हैं हम हिंदू के साथ हैं? नहीं आप बताइए। देखिए मैं हिंदू मुस्लिम पे चर्चा करने नहीं बैठा हूँ भाई, पहली चीज। नहीं नहीं नहीं, मैं हिंदू मुस्लिम पे चर्चा नहीं कर रहा। 26 करोड़ जनता की बात करता है योगी जी, 26 करोड़ जनता के एक चेहरे है। देखिए हिंदू मुस्लिम पे चर्चा करनी रहा करें तो किसी और चैनल की डिबेट में जाया करिए, यहाँ बताया करिए। बाकी बच्चों महिलाओं गरीब सबको भूखा मार दे, आपने हिंदुस्तान में 14% की आबादी आज कुपोषण की शिकार हो गई है। बिजली आप फ्री कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, इसका जवाब दे सकते हैं आप? आज बिल्कुल मैं बताता हूँ बिजली कैसे माफ करेंगे। अगर 1000 करोड़ 2000 करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों के माफ हो सकते हैं, किसानों को बिजली भी हम माफ करेंगे। तो अपने किसानों की बात में नहीं कर रहा हूँ, दूसरे की पेट भरने की बात होती है। जो वंचित है, जो गरीब है, अपना पेट भर रहे हैं, अपना कार्यालय ऐसी बनवा रहे हैं, कार्यालय को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, उनको कृषि भत्ता मिलता है वो भी मिलना चाहिए। जनता का पैसा लूट के में जमा करा रहे हैं, कार्यालय 5-star होटल की तरफ बनवा रहे हैं, फंडिंग ये हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म प्यार और बलिदान का धर्म होता है। हिंदू धर्म किसी को चर्चा करेंगे तो मैं डिबेट खत्म करता हूँ। आप सभी हो गया प्लीज, चौबे जी हो गया प्लीज, चौबे जी हिंदुस्तान ने देखा, ठीक है चौबे जी, हो गया चौबे जी, देखिए ऐसा नहीं, चौबे जी शांत हो जाइए, तो मैं ऑडियो गिरा दूंगा आप लोग, चौबे जी का ऑडियो गिरा जाए, चौबे जी हो गया प्लीज, डिबेट खत्म कर रहा हूँ मैं, आप सभी मेहमानों को, हो गया प्लीज, आप सभी मेहमानों को, चौबे जी नास्तिक है आप, धार्मिक देखिए आप किसी को नहीं बताने वाले कि कौन नास्तिक है कौन आस्तिक है, पहली भी चौबे जी सुनिए मेरी बात, आपकी पार्टी चौबे जी अरे भाई शांत हो जाइए, आपको गोत्र नहीं पता, आपके अध्यक्ष को गोत्र नहीं पता, वेटिकन गोत्र ले गोत्र का पता है, ये बात करते डिबेट खत्म करेंगे ठीक है प्लीज। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, और चुनाव में अगर मुद्दे पर आप बात करेंगे तो राजनीतिक दल आपको हिंदू मुस्लिम पर लेकर जाएगा। चौबे जी शांत होइए प्लीज, चौबे जी शांत होइए,
हिंदू मुस्लिम पे आप चले जाएंगे अगर आप जनता के मुद्दे पर चर्चा करेंगे तो, जैसा कि आपने इस डिबेट में भी देखा। लेकिन एक बार फिर से मैं कहूंगा कि मैं लगातार जनता के मुद्दे पर ही चर्चा करूंगा, जनता के विकास के लिए ही चर्चा करूंगा, और अगर हिंदू मुस्लिम पर चर्चा करनी है आप नेताओं को तो प्लीज मेरी डिबेट में मत आया करिए। आज की डिबेट में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।